हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एक न्यूज़ है जो कि टाइम्स नाउ news.com की ओर से आ रही है। और हालांकि अभी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म नहीं की गई है इसको, लेकिन बट फिर भी एक न्यूज़ आ रही है और जैसे ये कंफर्म हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगी। आप सभी जानते होंगे डूटा के बारे में। डूटा क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टीचरों का एक संगठन है जिसमें टीचरों ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचरों ने, क्योंकि आप सभी को पता है मैंने कई वीडियो पहले भी बना रखी है और उसमें भी बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स, कई जो फैकल्टी है उनकी लगातार कोविड की सेकेंड वेव के अंदर डेथ हो रही है और इनसे जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो उन सभी जो डूटा है उनके जो प्रोफेसर्स हैं उन लोगों ने एक सहमति से एक पत्र है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC और साथ ही साथ में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ जो है UGC उनको भेजने का फैसला किया है। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन की बात है वो ही है, वो सिर्फ और सिर्फ, पहले तो आप सबको पता है कि भाई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है पहले मई में होने वाले थे लेकिन उसको पोस्टपोन करके 1 मई किया गया। अब ये भी 1 मई से भी जो एग्ज़ाम होंगे वो कैसे होंगे? ऑनलाइन। अब तक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला है उसी में जो डूटा है उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, एक अल्टरनेटिव वे यू निकालना चाहिए। अल्टरनेटिव वे का मतलब है कि कुछ अलग तरीके, जिनके एग्ज़ाम होंगे वो तो होंगे लेकिन साथ ही साथ में जो और भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका कहना आएगा कि भैया संडे को उनकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि भाई टीचरों को स्टूडेंट्स जैसे पास करें तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक असेसमेंट जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें क्या करना पड़ा था, अपने असाइनमेंट्स देने पड़े थे और वो पास हो गए थे। तो ऐसे ही इन्होंने कोई सॉफ्ट वे बोला है कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, साथ ही साथ प्रोफेसर्स को भी दिक्कत होती है क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को कई बार आउटडोर भी जाना पड़ता है अगर उनके घर पे नेटवर्क इशू होता है। तो इस समय के कुछ हालात ऐसे नहीं है जिस कारण से ये बात कही जा रही है कि शायद जो एग्ज़ाम है आप लोगों के फाइनल ईयर के ही हो और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, 4 सेमेस्टर तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को उनके बिना एग्ज़ाम के उनको क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। तो ये एक नई खबर आप लोगों के लिए निकल के आ रही है जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके लिए उन्होंने जो UGC है और साथ ही साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन लिखी है इस चीज़ के लिए और यही चीज़ें इसके अंदर इन्होंने फाइनलाइज वहाँ पर करने का प्रयास भी किया है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब क्या बातें हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी के एग्ज़ाम्स के लेकर। लेकिन कोई भी नया बदलाव आता है आप चिंता ना करें, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आए या फिर कोई ऐसी खबर आए तो मैं फटाफट आप लोगों के लेकर आता हूँगा। लेकिन अभी ये खबर जब तक आपकी कंफर्म नहीं मानी जा सकती जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पर एक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट ना कर दे। तो गाइज, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अभी तो फिलहाल आप लोगों के लिए यही अपडेट था। फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको कुछ अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक दे देंगे या फिर उनकी IDs दे देंगे, आप वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी हमें कंसर्न अपनी सॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू गाइज़।